दोस्तों, पाकिस्तान दिलाएगा भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट। जी हाँ, सही सुना है आपने। लेकिन आखिर पाकिस्तान कैसे दिलाएगा भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का आगाज अच्छा नहीं रहा था। भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में अपने कुल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भी भारत को 8 विकेट से हरा दिया। हालांकि न्यूजीलैंड के मुकाबले से पहले हर किसी को ये उम्मीद थी कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी, लेकिन भारतीय टीम ऐसा करने में नाकाम रही। लेकिन दोस्तों, उम्मीदें अभी भी खत्म नहीं हुई है। भारत के सेमीफाइनल में पहुँचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। पहले तो भारतीय टीम को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों को अच्छे नेट रन रेट से जीतना होगा। वहीं दूसरी ओर आज पाकिस्तान और नामीबिया के बीच एक मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में अगर पाकिस्तान की टीम नामीबिया को हरा देती है तो नामीबिया की टीम का नेट रन रेट खराब हो जाएगा, जिसका भारत को फायदा मिलेगा। वहीं नामीबिया की टीम अपने अगले मुकाबले में अगर न्यूजीलैंड को मात दे देती है तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट भी खराब हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगर ये 2 उलटफेर होते हैं तो भारतीय टीम का नेट रन रेट अच्छा हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अफगानिस्तान को भी न्यूजीलैंड की टीम को पटखनी देनी होगी और उसे किसी भी हाल में न्यूजीलैंड को हराना होगा, तब जाकर कहीं भारत का सेमीफाइनल तक का पहुंचने का समीकरण सही बैठेगा। हालांकि अब सबसे पहले पाकिस्तान और नामीबिया के मुकाबले के ऊपर हर किसी की निगाहें रहेगी। अगर पाकिस्तान जीतता है तो भारतीय टीम की उम्मीदें कायम रहेगी। दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी या नहीं? साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।